उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आज आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये सैटरडे के क्लिप्स हैं, बट आज मंडे है 27th of December और आज इस सीज़न की पहली बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कराची का। ठंड में भी इजाफा हो गया है, बट मैं आप लोगों के साथ सैटरडे का क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे को भी वेदर तो बहुत ही ज़बरदस्त था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल ही बादल थे। अम्मी के यहाँ पर लंच का प्लान था, भाइयों की फैमिली भी आने वाली थी और अम्मी ने तैयार किया था हरा लहसुन। मैं सुबह से अम्मी से कहा हुआ था कि मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी, आप फिक्र मत करना, जब तक भाई वगैरह आएंगे तब तक लंच रेडी हो जाएगा। बट अम्मी को बहुत टेंशन हो जाती है, वो फजर के वक्त से ही काम में लग जाती हैं, तो उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही ऑलमोस्ट तक काम जो था वो कंप्लीट कर लिया था। बट फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मेरी बेटी बाजरे आटे के रोटी के जो पीसेस हैं उनको चॉप कर रही है। सबसे पहले बाजरे के आटे को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गूंदा जाता है और फिर उसकी रोटियां बनाई जाती हैं। तो मैं जब पहुंच गई थी तो एक तवे पर मैं तैयार कर रही थी रोटी और एक तवे पर अम्मी बना रही थी, क्योंकि रोटी को ठंडा करके उससे पहले मैंने बड़े चंक्स में तोड़ लिया था और इसके बाद उसे पंखे के नीचे रख कर थोड़ा ठंडा कर लिया था और फिर बेटी उन्हें फूड प्रोसेसर में चॉप कर रही थी, मतलब फ़ाइन कर रही थी। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं करना होता है, बट चंक्स बनाने होते हैं इसके। और पहले ज़माने में ये काम हाथों की मदद से किया जाता था, मतलब रोटी के बड़े बड़े पीसेस करके और फिर उन्हें हाथों के बीच में इस तरह से मसलते थे कि उसका थोड़े से बड़े चंक्स बन जाते थे जो कि आप स्पून से ईजिली खा सकें। तो आप ये देख लें, अम्मी थोड़े थोड़े वक्फे से आटा गूंथती जा रही हैं, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हैं वो गूंथते हुए और जस्ट पानी के साथ सिंपल आटा गूंदा जाता है। और इस रोटी को हाथों की मदद से ही, मतलब जो ताली बजाते हुए हलवा पूरी वाले पूरी तैयार कर रहे होते हैं, इस तरह से बना बना कर हम तवे पर डाल रहे थे। साथ ही अम्मी ने डिनर भी तैयार कर लिया था और डिनर के लिए उन्होंने बनाया था कचरी कीमा और साथ ही भुनी हुई मूंग की दाल, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है और जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो ज़ाहिर चॉइसेस भी बढ़ जाती हैं। और लहसुन के साथ बनाने के लिए अम्मी ने बैंगन को भी रोस्ट करके रखा हुआ था, उसका छिलका वगैरह सब उतार कर रखा था। तो बेटी को मैंने दही दे दी थी कि वो अच्छी तरह से पहले दही को फेंट ले और उसके अंदर ये जो भुने हुए बैंगन है वो अंदर डाल के और अच्छी तरह फेंट ले, क्योंकि बैंगन का भरता सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही खाते हैं, इसके अलावा बाकी सबके लिए दही थी। रोटियां बनती जा रही थी और उसे मैं रूम में इसके पास पहुंचाती जा रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए फूड प्रोसेसर को रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया था, इस बीच वो फिर दही फेंट रही थी और भरता तैयार कर रही थी ताकि फूड प्रोसेसर गर्म ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी देर से, आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पतीला तैयार हो गया था। क्योंकि लहसुन जब भी बनाया जाता है या कोई भी ऐसी मेमनी ट्रेडिशनल डिश बनाई जाती है तो वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स इन्जॉय नहीं करते हैं, ये नेबर्स में भी ज़रूर दी जाती है। तो अम्मी भी अपने नेबर्स के अलावा, अम्मी ने चाची के लिए भी बनाया था तो हमने चाची के घर भिजवाया था, इसके अलावा मेरी नानी के यहाँ भी भिजवाया था, तो काफ़ी सारी क्वान्टिटी में ये तैयार हुआ था। और इसके साथ सर्व किए जाते हैं पापड़, ये चावल के पापड़ होते हैं और इन्हें डीप फ्राई किया जाता है। पापड़ फ्राई करते हुए वाकई में देखकर कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने पापड़ फ्राई कर लिए थे। ये नहीं था कि ये पापड़ एक्स्ट्रा थे, हमें इतने पापड़ों की ज़रूरत थी, लेकिन वो देखते हुए लग रहा था कि हम कोई स्टॉल लगाने जा रहे हैं पापड़ का। और मैं लहसुन बनाते हुए अम्मी से यही डिस्कस कर रही थी कि
पहले की औरतें शायद बहुत ज़्यादा ही फारिग हुआ करती थी, क्योंकि जितनी भी विंटर डिशेस हैं मेमनों की वो बहुत लेंदी लेंदी रेसिपीज़ हैं। इस वजह से कोशिश की जाती है कि सब मिलकर ही कर लें। तब अम्मी बता रही थी कि अब के लोगों को ज़्यादा हैक्टिक लगता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी और बहुत ज़्यादा मेम्बर्स हुआ करते थे फैमिली में, तो तमाम लेडीज़ एक साथ बैठ कर ये जब काम किया करती थी तो उस वक्त ये काम ज़्यादा लेंदी नहीं लगते थे, क्योंकि सब ने बाँटा हुआ होता था काम और बहुत जल्दी ये सारे काम हो जाया करते थे। इस डिश की बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। इसे ज़्यादातर पुराने ज़माने में, ज़्यादातर नहीं बल्कि अमूमन पुराने ज़माने में इसे नाश्ते में ही सर्व किया जाता था। अब तो लंच में भी लोग खा लेते हैं और डिनर में भी, और अब्बू यही नाराज़ हो रहे थे कि तुम लोगों ने लंच में क्यों सर्व किया है, क्योंकि ये नाश्ते की डिश है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लंच में खाने का। लेकिन ज़ाहिर है सब फैमिलीज़ भाई वगैरह सब जब आते हैं तो आते आते लंच का टाइम ही हो जाता है। पहले ज़माने में इसे इसी तरह से ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता था, और वो भी कोशिश की जाती थी कि लगातार 3 दिन तक इसे नाश्ते में ज़रूर खाया जाए। बहुत अच्छी डिश है। इसके बाद आप पानी नहीं पी सकते, इसलिए पानी जितना पीना है आप पहले पी लें, इसके बाद पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद गंडेरी दी जाती है, गंडेरी चूस लें आपने जितनी चूसनी है, लेकिन पानी नहीं। रोटी को जब चूरा कर दिया गया था तब उसे एक थाल में फैला कर उसके सेंटर में हरा लहसुन रखा गया था, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया था, और इसके बाद गरम गरम घी, अम्मी ने देसी घी और ऑयल मिक्स किया हुआ था, और वो इसके ऊपर डालने के बाद फ़ौरन से इसे कवर कर कुछ देर के लिए रख दें, और इसके बाद आप इसे मिक्स कर लें। अम्मी हमेशा इसी तरह हाथों से मिक्स करती हैं, बट स्पून का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लंच से फारिग होकर मेरा तो मूड हो रहा था कहीं बाहर निकलने का, क्योंकि बहुत औसम मौसम था, तो मैंने अपनी भतीजियों को लिया और हस्बैंड से कहा था कि चलते हैं कहीं चक्कर लगाकर आते हैं। तो भतीजियां मेरे बच्चे थे और हम लोग निकल गए थे शाम में, और ड्राइव करते हुए धोराजी के करीब से जब निकले तो मैं बच्चियों को अपना कॉलेज दिखा रही थी कि फूफो इस कॉलेज में जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई की बच्चियों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कि जब भी वो दादी के घर आती हैं तो दादी से पहले ही पूछ लेती हैं कि फूफो आ रही हैं या नहीं आ रही, और अगर मैं ना जाऊं किसी दिन और वो आई हुई होती हैं तो यकीन माने अम्मी यही बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोर होकर गई हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। मैंने मॉन्टेसरी में भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे बच्चों के साथ बातें करने में, उन्हें डील करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं उनके साथ चिट चैट करती हूँ। धोराजी की तरफ निकले हुए थे तो मैंने बच्चों को ऑफ़र दी कि चलो तुम लोगों को चाट खिलाती हूँ। तो यकीन माने जब भी लहसुन खाया जाता है ना तो आपको फुल डे यही फील होगा कि आप बिल्कुल फुल हैं और कुछ खाने का दिल नहीं होता। मैंने उन्हें इतनी चीज़ों की ऑफ़र दी बट सब मना कर रहे थे, इसलिए हमने पहले सिर्फ एक एक प्लेट ही दोनों चीज़ों की ऑर्डर की थी, एक मीठी पूरी और एक पानी पूरी। मीठी पूरी मेरे बच्चे शौक से खाते हैं और भतीजियों को बिल्कुल नहीं पसंद, और भतीजियों का मूड हो रहा था पानी पूरी का तो उन्हें वो दिला दी थी। और यहाँ की मीठी पूरी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज मैंने एक भी बाइट नहीं लिया, एक पीस भी मुँह में नहीं डाला, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। बट भतीजियों ने को पानी पूरी खाकर थोड़ा सा मज़ा आया था, तो फिर मैंने मज़ीद 2 प्लेट्स ऑर्डर कर दी थी। वहाँ से फारिग होने के बाद बस हम घर की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि मेरी छोटी भतीजी उठ गई थी जो अभी सिर्फ 7 मंथ्स की है, और आज मैं उसे फ़र्स्ट टाइम कहीं लेकर निकली थी। गाड़ी में बैठते ही वो सो गई थी, और अब जब वो जागी थी तो मुझे डर लग रहा था कि इससे पहले कि वो रोना शुरू कर दे हम घर पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है। रास्ते में स्टेडियम नज़र आया था, वहाँ फुल लाइट्स ऑन थी। आई थिंक अब PSL करीब आ रहा है तो उसकी तैयारियां हो रही हैं अंदर, और इस तरह बहुत अच्छा दिन गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।